नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 122वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में नेताजी से संबंधित संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज वाराणसी में संपन्न होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समापन भाषण देंगे और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगे। बिहार सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के लिए अलग से एक विधेयक लाएगी। ऑस्कर नामांकन में फिल्म रोमा और द फेवरिस्ट शीर्ष पर लघु वृत्त चित्र वर्ग में भारत के पीरियड एंड ऑफ द सेंटेंस का नाम भी शामिल। और खेलों में नेपियर में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता सेरेना विलियम्स क्वार्टर फाइनल में हारकर प्रतियोगिता से बाहर। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 122वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संसद के केंद्रीय कक्ष में अनेक गणमान्य लोगों ने नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री विजय गोयल श्रद्धांजलि देने वालों में शामिल थे। नेताजी की जन्मस्थली ओडिशा के कटक में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय में नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ी कई वस्तुएं रखी गई हैं। इनमें नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी और तलवार, पदक, वर्दी के अलावा अन्य प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यादें जलियां संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसमें 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रमाणिक लेखा जोखा मौजूद है। 1857 में हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर बने संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के शौर्य और बलिदान को दर्शाने वाली सामग्री रखी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारतीय कला पर बने दृश्य कला संग्रहालय का भी उद्घाटन किया, जहां 16वीं शताब्दी से लेकर भारत की स्वाधीनता तक के दौर की भारतीय कलाकृतियां मौजूद हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा है कि भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति से संबंधित इन 4 संग्रहालयों का उद्घाटन उनके लिए विनयपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संग्रहालयों का समूचा परिसर क्रांति मंदिर के रूप में जाना जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज इस क्रांति मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्र के सर्वप्रिय नायक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनन्य सेनानी के रूप में देशवासियों के मन में बसे रहेंगे। नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वे नेताजी के नेतृत्व, दूरदृष्टि और देश के प्रति समर्पण को नमन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता और सम्मान के लिए स्वयं को समर्पित किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विश्वभर से आए भारतीय मूल के 30 प्रवासियों को आज प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगे। सम्मेलन में 5,000 से अधिक भारतीय मूल के प्रवासी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति के समापन भाषण के साथ आज शाम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन संपन्न हो जाएगा। एक रिपोर्ट। आज विदेश मंत्रालय की ओर से विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले प्रवासी कामगारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया कराने वाली एक हेल्प बुक जारी की गई। बड़ी संख्या में प्रवासियों ने चर्चा सत्रों में हिस्से लिया, जिसकी अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल डॉक्टर वी के सिंह ने की। संकट में फंसे प्रवासी भारतीयों के कल्याण में भारतीय सामुदायिक संस्थाओं का योगदान विषय पर आयोजित चर्चा के दौरान विदेश में मौजूद भारतीय संगठनों से जुड़े प्रवासियों ने अपने अनुभव साझा किए और बहुमूल्य सुझाव भी दिए कि कैसे मुश्किल में फंसे भारतीयों की मदद की जा सकती है।
बड़ी संख्या में प्रवासियों ने कचरा प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सरकारी नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किए जाने के संबंध में अपने सुझाव भी दिए। आज दोपहर बाद भारत में साइबर सिक्योरिटी के विकास पर भी संवाद आयोजित किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। समारोह संपन्न होने के बाद सभी प्रवासी भारतीय कल कुंभ मेले के लिए प्रयागराज जाएंगे और 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मौके पर आए अतिथियों के प्रयागराज कुंभ में कल स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कुंभ के लिए प्रयागराज में विस्तृत ढांचागत विकास के लिए स्थानीय निवासी सरकार की सराहना कर रहे हैं। पिछले दो प्रमुख स्नानों के दौरान देश भर से आए करोड़ों श्रद्धालु कुंभ के भव्य आयोजन को देखकर अभिभूत हैं। वहीं स्थानीय लोग एक नए प्रयागराज शहर को पाकर बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कुंभ के लिए प्रयागराज शहर में कई बुनियादी निर्माण कार्य किए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में के स्थानीय निवासी कमल कांति ने बताया कि दो सालों में एक नया प्रयागराज लोगों के सामने आया है। पिछले डेढ़ सालों में बदलाव हुआ है जब से नई सरकार बनी है, और इन डेढ़ सालों में तकरीबन 10 पुल बने, 10-10 महीने में पुल तैयार हुआ है, और इतने भीड़ भाड़ इलाके में ये सब हुआ है जिससे प्रयागराज में आवागमन में बहुत ही फैसिलिटी हो गई है। एक अन्य स्थानीय निवासी शिव सागर ने इस महाआयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। साल का जो कुंभ है और कुंभों से बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है, सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं। अभी मैं मोदी और योगी को धन्यवाद देना चाहता हूं। शशांक कुमार, कुंभ मेला शहर, प्रयागराज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% लॉटरी लगी तो मेरे बाकी के पैसे लूट डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ट्रेन में अकेले सफर करना सुरक्षित है क्या? हाँ बिल्कुल, 182 है ना। अगर किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा हो तो डायल करो 182। और अगर पर्स या कुछ कीमती सामान चोरी हो जाए तो डायल करो 182। और कोई ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पे अपना सामान भूल जाए तो? अरे भाई सबके लिए 182। अगर ट्रेन में सफर करते वक्त कोई करे परेशान या चोरी हो जाए कुछ कीमती सामान या फिर भूल जाए आप अपना सामान, तो याद रखें रेलवे सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 182 182, जिसपे होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। भारतीय रेल द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण के वास्ते विधानसभा के बजट सत्र में अलग से विधेयक लाने का फैसला किया है। ये सत्र अगले महीने के 11 तारीख से शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 10% आरक्षण लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव नियुक्त किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया है। वरिष्ठ पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद हरियाणा के महासचिव होंगे। केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव का कार्यभार दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये नियुक्तियां की हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का महासचिव नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। मीडिया के साथ बातचीत में श्री पात्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी की नियुक्ति से ये संकेत मिलता है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं उनके नाकामी को घोषित किया है, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। हर जगह से महागठबंधन में नकारे जाने के पश्चात बैसाखी परिवार से ही ढूंढा जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव के मद्देनजर असम में कानून व्यवस्था सहित चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश साहू ने बताया कि आयोग ने कल इस बारे में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक की उपस्थिति में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि आयोग ने असम के अलावा अन्य राज्यों में भी चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। असम में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषद चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि परिषद की 28 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। हाल ही में पंचायत चुनावों में मिली सफलता के बाद सत्तारूढ़ भाजपा ने असम में उत्तरी कचर हिल स्वायत्त परिषद में जीत दर्ज की है। भाजपा को 19 सीटें मिली जबकि कांग्रेस को 2, असम गण परिषद को 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 6 सीटों पर कामयाबी मिली। जीत के बाद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने कहा कि ये केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम है। मानस प्रदीम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। भारत के इस वर्ष के पहले उपग्रह प्रक्षेपण की गिनती आज शाम शुरू होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो विद्यार्थियों के उपग्रह कलाम सेट और एक इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसेट आर का कल प्रक्षेपण करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसरो का विश्वसनीय रॉकेट PSLV-C44 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इनका प्रक्षेपण करेगा। कल के प्रक्षेपण की खासियत प्रक्षेपण यान का विन्यास और उसकी बहुउपयोगिता है। प्रक्षेपण यान को गति देने के लिए पहली बार सिर्फ 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रक्षेपण यान PSLV-C44 की एक और विशेषता उसके चौथे और अंतिम ईंधन चरण की भूमिका है। 2 उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद ये प्रक्षेपण यान आगे गोलाकार कक्षा में जाएगा और अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए नया मंच तैयार करेगा। ये प्रक्षेपण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की लगातार बढ़ती नई सोच का उदाहरण है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध है। कुष्ठ रोग किसी को भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्तर का हो। इसका संपूर्ण इलाज उपलब्ध है। कुष्ठ रोगी के हाथ, पैर और चेहरे पर आई विकृतियों को ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। केंद्रीय कुष्ठ प्रभाग स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। ऑस्कर पुरस्कारों के नामांकन में मैक्सिको के फिल्म निर्माता अल्फोंसो क्यूआरानो की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म रोमा और योगोर्स लैंथिमॉन्स की फिल्म द फेवरेट शीर्ष पर है। रोमा का सर्वोत्तम फिल्म, सर्वोत्तम निर्देशन, येलित्जा एप्रासियो के सर्वोत्तम अभिनय और सर्वोत्तम विदेशी भाषा वाली फिल्म के रूप में नामांकन किया गया है। द फेवरेट 18वीं शताब्दी की ब्रिटिश महारानी एनी पर केंद्रित है। लघु वृत्त चित्र वर्ग में भारत की पीरियड एंड ऑफ अ सेंटेंस का नामांकन हुआ है। ये वृत्त चित्र भारत में मासिक धर्म के सदियों पुराने अभिशाप के विरुद्ध महिलाओं के संघर्ष को लेकर है। इसका निर्देशन पुरस्कृत फिल्मकार रायका जेहताबजी ने किया है और ये 26 मिनट की है। न्यूजीलैंड के साथ 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त ले ली है। नेपियर में खेले जा रहे इस मैच में मेजबान न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 38 ओवर में केवल 157 रन बनाए। भारत ने 2 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया और जीत दर्ज की। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता अमेरिका की सेरेना विलियम्स आज क्वार्टर फाइनल में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। उन्हें चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने 6-4, 4-6, 7-5 से हराया। प्लिस्कोवा पहली बार इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। दिल्ली मेट्रो की सेवाओं में शनिवार को गणतंत्र दिवस समारोह के सिलसिले में सुरक्षा कारणों से कुछ कटौती की जाएगी। इस दिन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन सवेरे 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 122वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में नेताजी से संबंधित संग्रहालय का उद्घाटन किया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज वाराणसी में संपन्न होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भाषण देंगे और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगे। बिहार सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के लिए अलग से एक विधेयक लाएगी। ऑस्कर नामांकन में फिल्म रोमा और द फेवरिस्ट शीर्ष पर हैं। लघु वृत्त चित्र वर्ग में भारत के पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस का नाम भी शामिल है। और खेलों में नेपियर में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।